सिर्फ एक ही दिन बाकी है और अब भी 1.5 किलो वजन कम करना है, वरना मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। अभी कौन आया होगा? हेलो मोनिका, आप आइए ना। नाइस हाउस। थैंक यू। आप ऐसे अचानक? फाइनल इंस्पेक्शन के लिए, कल आखिरी दिन है ना। आप बैठे ना। बैठूंगी बाद में, पहले ये बताइए कि कितना वजन कम हुआ आपका? 3.5 किलो। What? ये तो बहुत कम है। अभी तक तो आपका 5 किलो वजन कम हो जाना चाहिए था। तो फिर क्यों नहीं हुआ? आपने जो डाइट चार्ट दिया था ना, उसे मैंने प्रॉपर फॉलो किया है। मैंने आपके फोन में जो ऐप डाला था वो दिखाई। ये चेक करके मुझे ये पता चलेगा कि आपने कितनी कसरत की है। What is this? एक दिन में 13,000 कदम, दूसरे दिन में 14,000 कदम, आपने एक भी दिन 15,000 कदम चलने का टारगेट पूरा नहीं किया। What is this? और ये देखिए, आपने कैलोरीज भी टारगेट के हिसाब से बर्न नहीं की। कैसे होगा टारगेट पूरा? खड़ी मत रहो, कीप वॉकिंग, चलते चलते, कम ऑन। हाँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। सुबह पार्क में जाती हूँ तो वहाँ चाचा जी के देखने का डर रहता है। सोसाइटी में कोई ना कोई मिल जाता है। घर में मेरा बेटा होता है, कोई ना कोई आता जाता रहता ही है। और ऊपर से आपने किसी को बताने के लिए भी मना किया है, तो कैसे होगा टारगेट पूरा? कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग। आपने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, इसीलिए अभी तक 5 किलो उतरा नहीं है। अभी आपको एक दिन में 1.5 किलो वजन उतारना है। ये बहुत मुश्किल है। This is very difficult. तो अब मैं क्या करूं मोनिका? सबसे पहले अपना फोन पकड़ो। हाँ। और अब बताइए, आपको वो ड्रेस पार्टी पे पहननी है या नहीं? हाँ हाँ, absolutely पहनना है। तो अगर टारगेट अचीव नहीं किया तो वो ड्रेस आपको फिट नहीं आएगी। पर कीप वॉकिंग। हाँ। अगर आप दिन में नहीं कर पा रही तो रात में सबके सोने के बाद एक्सरसाइज कीजिए। पर एक्सरसाइज कीजिए, अपना कोटा पूरा कीजिए। या दैट्स अ नाइस आईडिया। और हाँ, नो सॉलिड खाना, ओनली लिक्विड, ओके? यस। अब बैठे ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नो थैंक यू, जस्ट कीप वॉकिंग। यस कीप वॉकिंग। यस कीप वॉकिंग। यस एब्सोल्युटली। आज रात को सब सो जाएंगे तब एक्सरसाइज करूंगी। आज तो कैसे भी करके अपना एक्सरसाइज का कोटा पूरा करूंगी ही। रात के 12:30 बज गए। I'm sure सोसाइटी में सब सो गए होंगे। अभी एक्सरसाइज करूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। चलो डस्टबिन तो रख दिया, जाके सोते हैं। इतनी रात गए कौन आया होगा? कमाल है, यहां तो कोई नहीं है। आवाज तो ऐसी ही थी। Thank you.
तुम्ही? अरे आदमी सीढ़ियों से ना कोई ऊपर आ रहा है और नीचे जा रहा है। ओए, क्या कह रहे हो? चमत्कार हो गए तू। क्या अबे सीढ़ियाँ होती है ऊपर नीचे आने जाने के लिए। कमाल है भाई। सनई का हुशार। अगर कोई ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने की आवाज आएगी, अगर कोई नीचे जा रहा है तो नीचे जाने की आवाज आएगी, लेकिन बार बार ऊपर नीचे जाने की आवाज आ रही है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आभास होगा। आभास कोई नया है लेने के लिए? ओ आभास, भ्रम भ्रम होगा आपका, ये कह रही हूँ मैं। भ्रम नहीं का, सच में आवाज आ रही थी, मतलब ऐसे भारी भरकम आवाज थी, धप 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 धप, डरावनी भी थी थोड़ी। कहाँ आ रही आवाज? वही तो अचानक रुक गई। आपने डस्टबिन रख दिया ना? हाँ, अभी आप ना थक गए हैं तो भी सो जाते हैं। अभी तो सब सोसाइटी वाले सो गए होंगे, थोड़ा बाहर जाकर खुली हवा में चलती हूँ। एक काम करती हूँ, पहले घर जाकर शॉल और हेडफोन्स ले लेती हूँ, मजा आ जाएगा वॉक में। मौन कोमल, मिशन पतली कमर खत्म करने के लिए तुम्हें आज का टारगेट खत्म करना ही पड़ेगा। बालकनी में आकर देखेगा तो बड़ा अजीब लगेगा। गार्डन के बाजू वाले पैसेज में वॉक करती हूँ। जेठिया की माँ, आजकल तेरी बहुत याद आती है। इतनी याद आती है कि कभी कभी नींद भी नहीं आती। लेकिन गलती तेरी नहीं है, गलती है इस बारिश के मौसम की। तुझे पता है इस बारिश के मौसम में मैं अक्सर तेरा वो मनपसंद गाना गुनगुनाता रहता हूँ। नैना बरसे रिम जिम पिया तोरे आवन की। रात को वहां कौन चल रहा है? चूड़े लोड़े तो नहीं है? बालकनी में क्यों? अरे तुझे कुछ दिखाना है। चल, क्या क्या दिखाना है? अरे तू चल ना, तुझे कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? चल जल्दी चल, चल चल इधर वहां देख, वहां देख। वहां कहाँ देखो बाबूजी? अरे वहाँ पैसेज में। पैसेज में क्या क्या देखो पैसेज में? अरे क्या देखो, क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, पैसेज दिखाई दे रहा है, लेकिन पैसेज में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? अरे अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे कोई चल रहा था, कुछ जोर जोर से हंस रहा था। बाबूजी बाबूजी नहीं। बाबूजी
देखा 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 कोई है। देखा 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 बाबूजी कौन है ये? यहाँ क्या पता कौन है? जा नीचे जा और जाके पता लगा। नहीं नीचे जाके पता लगाने की क्या जरूरत है, यहीं से पता लगाते हैं ना। और यहीं से कैसे पता लगेगा? ऐसे देखिए आप। कौन उधर है? कौन है? कुछ कर जल्दी, कुछ कर। क्या करूं? मैं काम करता हूँ, भिड़े को जगाता हूँ। अरे इसमें भिड़े को क्या जगाना? जी भिड़े सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तो हमारी सोसाइटी में कोई ऐसे घुस के ऐसे ऐसे चले घूमे ऐसे हंसे तो उसकी जिम्मेदारी ना उसको बाहर निकलने की। जगा जगा उसको। हाँ भिड़े, ए भिड़े, ए भिड़े, ए भिड़े, ए भिड़े, ए भिड़े। अरे ये लगता है गहरी नींद में सो गए। जेठा भाई बुला रहे हैं। ओ उठा ना, जेठा भाई बुला रहे हैं। भिड़े मैं जगा रहा हूँ तुझे। भिड़े जेठा बुला रहा है? क्यों बुला रहा है? अभी क्या काम होगा? अब खुद से सवाल करेंगे, चलिए ना देखते हैं क्या हुआ है। हाँ हाँ हेलो हेलो हेलो, मैं जेठालाल। भिड़े क्या हुआ चाचा जी? जेठालाल चिल्ला क्यों रहा है? अरे भाई वहाँ देख, पैसेज में कोई चल रहा है सफेद कपड़े पहन के और हंस रहा है हाँ हाँ करके। बाहर निकाल उसको, बाहर निकाल, बाहर निकाल। कोई कौन है? कहाँ है? कोई दिख तो नहीं रहा है। हाँ किधर है? कोई दिख नहीं रहा है भाई। अरे भाई जरा ध्यान से देख। खुदे 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 खुदे। बाप रे। मतलब माधवी, मैंने वो थोड़ी देर पहले जो आवाज सुनी थी, मेरा भ्रम नहीं था, वो यही होगा। थप थप। ए कौन है तिकड़े? नहीं वाटते मराठी नहीं येते। कौन छे त्या आगळ? गुजराती भी नहीं है। अरे हु इज रोमिंग आउट देयर? ओ कौन है उत्तो? अरे भाई सीधा सीधा हिंदी में पूछना। मतलब मुझे लगा आप लोगों का हिंदी में पूछ के हो गया होगा। अरे काम करते हैं, नीचे जाके देखते हैं। चलो चलो। हाँ आप लोग नीचे आइए, मैं सबको फोन करके नीचे बुलाता हूँ। हाँ बुला बुला सबको बुला। एक से भले दो, दो से भले सगड़े। चलो चलो चलो। हेलो छोड़ी, जल्दी से कंपाउंड में नीचे आ जाओ, जरूरी काम है। ओ फिरो, इतनी रात को तो एक ही काम हो सकता है, पार्टी शार्टी का। सोड़ी इतनी रात को कौन पार्टी शार्टी करेगा भाई, मैं तो सो रहा हूँ। अरे भाई मुझे भी सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है, तो इसलिए अगर तू पार्टी भी कर रहा हो ना भिड़े, तो मैं तो इस वक्त नहीं आ सकता। अरे कौन पार्टी शार्टी की बात कर रहा है सोड़ी, क्या बोल रहे हो तुम? अरे सोसाइटी गार्डन के पास अजीब सी चीज घूम रही है सफेद कपड़ों में। अजीब सा चीज? डिटेल में बताने का टाइम नहीं है, सब लोग जल्दी से नीचे आ जाओ। अरे आ गया हूँ भाई मैं। कौन है भाई और कितने घूम रहा है? बनकर भाई वो उधर गार्डन के पास से कोई घूम रहा है। हाँ अरे पर भिड़े कोई नजर ही नहीं आ रहा भाई, कोई नहीं वहाँ पे, बिल्कुल खाली सपाट पड़ा है, देखना दिखेगा मेहता साहब दिखेगा। जेठालाल क्या दिखेगा, उधर कोई नहीं है, आधी रात को सबका नींद खराब क्यों किया? अरे यार भाई मुझे कोई शौक नहीं है सबकी नींद खराब करने का। अरे बापू जी ने देखा, मैंने देखा, भिड़े ने देखा, माधवी बापी ने देखा, हम सब ने देखा। हाँ। उधर कोई चल रहा है। आयर भाई जेठा भाई सच कह रहे हैं, हमने भी देखा है उधर कोई है। ओहो आयर आए तिकड़े बाबा। अरे पर हो तो कोई नजर तो आना चाहिए ना, कोई नहीं है।
मुझे लगता है आप लोगों को गलतफहमी हुई है, कोई बिल्ली कुत्ता या कोई जानवर को देखा होगा। मेहता साहब, कोई जानवर कपड़े पहन के थोड़ी ना घूमेगा वहाँ पे, सफेद कपड़े में घूम रहा है। क्या मेहता साहब, अरे बिल्ली कुत्ता चले और इंसान चले दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? इतना तो बेवकूफ मत समझिए हमें। और पिड़ू, बस ये जो भी है जिसने सफेद कपड़े पहने हैं ये मुझे बस दिख जाए, फिर देख इसको क्या करता हूँ मैं। तेरी कोई तो है, वो भी सफेद कपड़ों में। हाले वही तो बोल रहे। अरे हाँ, लेकिन ये कौन है? जाओ जाके पूछो। नहीं नहीं नहीं, तुम सब लोग यहाँ क्या खड़े हो भाई? कोई वहाँ घूम रहा है तो चलो जाके देखते और भगाते हैं। ये किसकी आवाज है? बिड़ा बिड़ा कोड़े, अरे जाओ जाओ जाओ। अरे क्या जाओ, अरे क्या जाओ, अरे ये तो किसी औरत की हंसी है। हाँ बिड़ा, ये सब क्या है? आधी रात को अनजान औरत हमारी सोसाइटी में ऐसे क्यों चल रही है, हंस रही है? पता क्या भाई थी? क्या काय मारे थे? सोसाइटी में सिक्योरिटी क्यों नहीं है? मैं कैसे करूं? लाल, तुम शांति रखो ना भाई, पहले पता तो चलने दो कि कौन है, क्या चीज है, मालूम तो चलने दो ना भाई। वहां पे जो भी चल रहा है चल के इधर हमारे सामने आ जाओ, नहीं तो मैं छक्का मारी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, अभी के अभी इधर हमारे सामने आ जाओ, नहीं तो आप फाइनली मैं चढ़ जाऊंगी। जरा शांति रखनी बाबा। ओए सोनिया, अभी शांति रखने का टाइम नहीं है। ओए ये मानने वालों में से नहीं है, ये जो भी है ना मैं इसको वहां जाके ठीक करता हूँ। हम भी आते साथ में, चलो साथ में चलो। चलो जा रहा था ना, वो अकेला काफी है ना, सबका जाने की क्या जरूरत है। ए, वो इधर ही आ रही है। मित्रों, कोमल भाभी के मिशन पतली कमर ने न केवल कोमल भाभी की बल्कि सारे गोकुलधाम निवासियों की नींद उड़ा दी है। गोकुलधाम निवासी कंपाउंड में उतर आए डर के मारे, और इस कदर डरे हुए हैं कि हॉकी वॉकी लेके आ गए। लेकिन जब इन्हें यह पता चलेगा कि कोमल भाभी है वो जिनकी वजह से ये डर रहे हैं, अब क्या होगा? और ये सोचिए, जब कोमल भाभी को ये पता चलेगा कि मेरी वजह से सारे गोकुलधाम सोसाइटी की नींद उड़ गई और ये डर गए, तो क्या रेत करेंगे? और वो क्या जवाब देंगे कि वो आधी रात को क्या कर रही हैं? और क्या उन्हें अपने इस मिशन पतली कमर के बारे में गोकुलधाम निवासियों को बताना पड़ेगा? क्या ये राज राज नहीं रहेगा? क्या उनका ये मिशन कामयाब होगा? क्या वो पतली हो पाएंगी जिसकी वो कोशिश में? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप अपनी आतुरता को बनाए रखिए, क्योंकि हर सवाल का जवाब मिलेगा ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.